बाबा, अपने हकीर सरमाए के साथ मेरी जान भी आपके लिए हाजिर है। God bless you, बेटा। अली, करण को राहुल का मैसेज भी दे दो। राहुल ने भी यही मैसेज भेजा है बाबा। बस यूं समझ लीजिए कि मेरे अल्फाज उसके जज्बात की हूबहू तर्जुमानी है। राहुल को आपसे शिकायत है कि आपने उसे अपने केस में इन्वॉल्व नहीं किया, जबकि वो आपके लिए बहुत मददगार साबित हो सकता था। भाई, मैंने तो खन्ना साहब को राय दी थी कि उसे भी इस केस में शामिल किया जाए, लेकिन उन्हें कुछ एतराज था। मेरा एतराज बिल्कुल वाजिबी है वर्मा जी। अगर मैं राहुल को इस केस में इन्वॉल्व कर लेता तो उसकी करतूतों में जो पर्दा पड़ा हुआ है वो उठ जाता। वो शायद भूल गया, लेकिन मैं नहीं भूल सकता कि लोला की हर साजिश में वो बराबर का शरीक है। अगर उसकी शिकायत नहीं होती तो लोला इतनी आसानी से कामयाब नहीं होती। अभी उससे कह देना मैंने उसको इस केस में इसलिए शामिल नहीं किया कि उसकी इज्जत का भ्रम बना रहे, दुनिया को यह कहने का मौका नहीं मिले कि एक बेटे ने अपने बाप की पीठ पर छुरा मोक दिया। कितने हुए? 4,37,00,000। लेकिन उसमें शेयर्स और बॉन्ड्स के पैसे ऐड किए? जी जी। और फिक्स डिपॉजिट के भी काउंट कर लिए क्या? जी लाला जी, मैंने पूरी लिस्ट काउंट कर ली। मुझे सारा का रेस्टोरेंट बेचने दो ना। अरे नहीं माइकल, कोई और रास्ता सोचते हैं, निकल आएगा भाई। एक यार की बात ना मान, तो मेरे साथ नाइंसाफी कर रहे हो दोस्त। माइकल भाई, आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग। मैं तुमसे कैश तो एक्सेप्ट कर ही चुका हूँ ना। मेरे खन्ना साहब, बाकी के पैसे हम कहाँ से लाएंगे? और हमारे पास वक्त बहुत कम है। बाबा, ये मेरे कुछ जेवरात हैं, रख लीजिए। बेटा, खुदा तुम्हें सलामत रखे। जीते रहो। लेकिन बेटा, अगर मुझे अपनी बहू के कहने बेचकर प्रॉपर्टी वापस लेनी है तो मुझे ऐसी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए मुझे ऐसी प्रॉपर्टी। लेकिन बाबा ये नहीं बेटा, करण ठीक कह रहा है, ऐसे नहीं हो सकता। भाई दोस्तों, मैं वर्मा जी को फोन करके बोलता हूँ कि ये अपील के कागज तैयार करें प्लीज। बाबा बाबा, कल कोर्ट में पैसों की अदायगी का दिन है, कल अपील के मंजूर होने के चांसेस बहुत कम है। भाई कोशिश तो की जा सकती है ना। मैं जा रहा हूँ।